हे गाइस, तो चलिए आज बनाएंगे बिल्कुल ही मज़ेदार कॉफ़ी मग केक। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे एक चम्मच आपको लेना है कॉफ़ी पाउडर और एक चम्मच लेना है आपको पिसी हुई चीनी। तो जितनी क्वांटिटी में आप कॉफ़ी ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी में आप चीनी भी ले लीजिए, और साथ ही यहाँ पर डाल देंगे 3 चम्मच मैदा। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनने वाली है, आप 5 मिनट से भी कम टाइम में इसको बना लेंगे। और जब मैदा डाल देंगे ना, तो 1/4 टीस्पून आप डाल सकते हैं यहाँ बेकिंग पाउडर, और एक चुटकी नमक डाल देना, और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे डाल दीजिए कोको पाउडर। उसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कर देना अच्छे से मिक्स। तो देखिए, जितने भी सारे हमने चीज़ें डाली है ना, वो अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, और आपका जो मिक्सचर है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखिए, अब उसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे मेल्टेड बटर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसे भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। फिर उसके बाद ना इसमें डालना है हमें मिल्क। तो मिल्क के लिए आप यहाँ पे नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का दूध होता है, या फिर जो फ्रिज में रखा रहता है, आप उस टेम्परेचर का भी दूध ले सकते हैं। बस गरम गरम मत डालना, क्योंकि गरम गरम डालते हैं ना तो उससे क्या होता है कि लम्ब्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे यहाँ पे, और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हमें रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा डालना और मिक्स करते रहना, और जो आपका बैटर है ना, यानी जो कॉफ़ी मग केक का बैटर है, कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। इस ये गाइस एक ऐसी रेसिपी है ना कि बस डायरेक्ट बोल में बनाइए और फटाफट से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, बातों ही बातों में जो हमारा मिक्सचर है वो कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो बस इसको फेट अच्छे से लेना, ताकि जो हमारी जो केक बन के रेडी होगा ना, बिल्कुल स्पॉन्जी सा बन के रेडी होगा। तो कुछ ये देखिए, एक भी लम्ब्स नहीं है इसमें, और बढ़िया सा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब उसके बाद हम करेंगे इसे बेक। तो पहले तो थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, ताकि जो हमने आसपास जो चिपका हुआ मसाला है, यानी ये जो बैटर है, वो थोड़ा सा सेट हो जाए। और उसके बाद इसे हम अवन में डाल देंगे 1.5 मिनट के लिए। तो ये देखिए, अवन ऑन कर दिया है, और इसको हमें 1.5 मिनट के लिए बेक करना है। तो जब आप बेक करेंगे ना, तो पहले इसको 1 मिनट के लिए बेक करना, और अगर उसके बाद आपको लगे कि एक टूथपिक या फिर नाइफ इंसर्ट करके देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाया है, चिपचिपा है, तब उसके बाद 30 सेकंड्स के लिए आप इसको और बेक कर सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट इसको 1.5 मिनट के लिए रखा है, और ये देखिए, नाइफ बिल्कुल क्लीन निकल के आ रहा है। और उसके बाद इसे निकाल लेंगे बाहर, और ये देखिए, आपका जो केक है ना, कॉफ़ी मग केक, बिल्कुल इंस्टेंट वाला बन के रेडी है। तो बस जिस बोल में आपने बनाया, उसी में इसको सर्व कर लीजिए, और आपकी मज़ेदार सी रेसिपी इंजॉय कीजिए। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।